बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट, अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल शहर की ड्रेनेज व्यवस्था भगवान भरोसे है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। शनिवार को हुई मौसलाधार बारिश ने एक बार फिर से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई प्रमुख सड़कें पानी में डूब गए, जिसके कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि आसनसोल स्टेशन आने जाने का रास्ता बंद हो गया। आसनसोल स्टेशन रोड, रेल पार, बरुआ बाजार टनल, डीपूपाड़ा की सड़कें जलमग्न हो गई। हाटन रोड इलाके में भी सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं शहर के निचले इलाकों में भी जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसके बाद लोगों की चिंताएं और बढ़ गई है। साल की तरह यही अवस्था, एक घंटा पानी पड़ने का, आधा घंटा पानी पड़ने से यही अवस्था हो जा रहा। और जब से ये मॉल बना है तो देख सकते हैं नाला का, यही पानी ये अवस्था खराब कर चुका है, पूरे पुल का, पूरे रेल पार। और ये अवस्था स्टेशन के जो 13 नंबर रास्ता है उसका तो और अवस्था खराब है। अभी जाकर देख सकते हैं इतना इतना पानी है। और यहाँ से शुरू में जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है रेल का, और ये प्रोजेक्ट से पहले ये रास्ता का प्रोजेक्ट चालू करना बहुत जरूरी है। मान के चलिए कितना पैसे में गाड़ी छूट गया होगा, कितना यात्रियों का गाड़ी छूट गया होगा, और जितना स्कूल के बच्चे आने जाने का उसको कितना परेशानी होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आसनसोल के डीआरएम को, ये रास्ता की अवस्था को बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो ये पुल है, इस पुल का तो बढ़िया से ध्यान देना चाहिए, ताकि ये हर साल की तरह इस साल भी डूबते आ रहा है। ये हमको नहीं पता, ये पूरा एरिया को पता है कि ये पुल पे पानी, और ये कसाई मोहल्ला के पुल पे भी पानी आ चुका है। मैं हर रेल पुल में जाम, हर पुल में जाम अभी आ रहे हैं। इतना जो अच्छा अच्छा स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा आप लोग? स्टेशन बनाने से नहीं होगा, अगर रास्ता आपका सही नहीं है तो यात्री आपके स्टेशन कैसे जाएंगे? आपको तो पहले रास्ता को आपको तो बढ़िया से प्रबंध करना चाहिए। और अभी जाके देख सकते कितने पैसेंजर झेल रहे हैं, अब जाके देख सकते हो ऊपर से पार हो रहा है कोई, नीचे से किसी को जानकारी अगर नहीं है, देख सकते हैं गड्ढा है और उसका पैर में मूछ हो सकता है, घुस सकता है। अब ये देख सकते हैं रास्ता टूट चुका है, देखिए आपको। आपका नाम क्या है? हमारा राहुल कुमार नाम हुआ। दुर्गापुर के चंडीदास मार्केट के निकट शरद चंद्र एवेन्यू में दुर्गापुर स्टील प्लांट की जमीन पर अतिक्रमण को तोड़ने गए डीएसपी अधिकारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। डीएसपी के बुलडोजर के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया, इससे तनाव फैल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआईएसएफ और दुर्गापुर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दुकानदारों ने डीएसपी अधिकारियों से अनुरोध किया कि आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए फिलहाल अतिक्रमण हटाओ अभियान टाल दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत से परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। इसके बाद डीएसपी के अधिकारी महेश कपूर चले गए। वहां जब वो अतिक्रमण हटाने की कोशिश करने लगे तो स्थानीय लोगों की डीएसपी अधिकारियों से बहस हो गई, वहां भी हंगामा से तनाव फैल गया। पुलिस और सीआईएसएफ ने स्थिति को संभाला। बंगाल झारखंड सीमा पर नाका चेकिंग के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बराकर फाड़ी पुलिस ने देर रात चेक पोस्ट पर ऑटो से युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम विकास लाल श्रीवास्तव है, वो कुल्टी के खिलान धौड़ा का निवासी है। बराकर फाड़ी पुलिस पकड़े गए युवक को आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया और रिमांड के लिए आवेदन दिया। कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड मंजूर किया है। रानीगंज कोयलांचल के भूमिगत आग एवं धसान प्रभावित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य के कानून मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में आसनसोल सर्किट हाउस में बैठक की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, एडीडीए के अधिकारी तथा विधायक शामिल थे। बैठक में डीएम पुन्नबलम एस, एडीडीए चेयरमैन कवि दत्ता, आसनसोल के मेयर सबाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय, पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरेराम सिंह, जिला
परिषद सभापति विश्वनाथ बावरी आदि उपस्थित थे। बैठक के बाद सुने क्या कहा पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। आज के मेनली जे विभिन्न ग्रामगुलो धसेर कबले पड़েছে আমাদের गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट কিছু টাকা দিয়েছিল 7000 কোটি টাকা মতো পাওনা ছিল তাই তো 1200 কোটি টাকা মতো দিয়েছে তাতে কিছু আরো 300 কোটি টাকা এসেছে তো এই টাকাগুলো দিয়ে অন্ডাল এয়ারপোর্ট এবং আমাদের বারাবনি এবং জামুড়িয়াতে কিছু ফ্ল্যাটস তৈরি করা হয়েছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য এর কিভাবে করা যায় এবং এটাকে কিভাবে এই প্রজেক্টটাকে সাকসেস করা যায় সেই জন্য আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের চেয়ারম্যানশিপে আজকে সমস্ত সংস্থার আধিকারিক দিকে নিয়ে একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। এটা নিয়ে প্রত্যেক এমএলএরা ছিলেন এমএলএ সাহেবরা ছিলেন সবাইকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে নিজের নিজের এলাকায় মিটিং করে গ্রামের লোকদের সঙ্গে বসে এই ব্যাপারটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেই সঙ্গে ঝরিয়া মাস্টার প্ল্যান যেটা ছিল হ্যাঁ সেই মাস্টার প্ল্যানকে অ্যাডপ্ট করে তারকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এখানে একটা মাস্টার প্ল্যান করে সেটা জমা দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যান সাহেবকে সভা আজকে দায়িত্ব দিয়েছেন। आसनसोल क्लब में कई सुविधाओं से लैस नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन मेयर विधान उपाध्याय ने किया। आसनसोल क्लब के अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल विनोद गुप्ता सचिन रॉय हरि नारायण अग्रवाल समेत क्लब के तमाम सदस्य उपस्थित थे। सोमनाथ बिस्वाल ने बताया कि इस नई बिल्डिंग में फैमिली रेस्टोरेंट स्पा रूफटॉप स्विमिंग पूल डिपार्टमेंट स्टोर आइसक्रीम पार्लर सहित तमाम तरह की सुविधाएं हैं। इसका लाभ क्लब के सदस्य को मिलेगा। ওনাকে আমি অসম্মানও করিনি কিন্তু উনি আমাকে অসম্মান করলেন এটা আমি তার জন্য আমি চির দুঃখিত। আমি আমার বন্ধু ভাইয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি আপনার জন্য মানে আপনাদের কাছে আপনারা ওনাকে সদ্বুদ্ধি ভগবান দেখ যে উনি কার বদনাম না করুক বদনামটাই হলে আমরা আমাদের তো শিক্ষা শেষ হয়ে গেল তো ভাই তা আমরা সবাই কেউ কাউকে ভালোবাসলাম না তো ক্লাব কি ক্লাব আমার সেকেন্ড হোম। আমি আশা করছি এখানে বিশৃঙ্খলা না করে প্রোগ্রাম শুরু করা দরকার নাই কাকে কিছু বলা আর সবাইকে অনুরোধ করছি আমার ক্যাম্পেনিং করা দরকার নেই ক্লাবের যেটা ভালো কাজ হয়েছে সেটাই বলুন অন্য কিছু বলা দরকারই নেই ক্যাম্পেনিং দরকার নেই এটা ক্লাব কথা উনি কথা ঠিক বলেছেন ক্লাবের যে স্টেজ আছে এ হচ্ছে সর্বসাধারণ সবাই আমি আমি যদি আমি এখনো বলছি আমি অতদিন যে কাজ করেছি আমি কিন্তু ভোট ভোট ক্লাবের এই মঞ্চতে স্টেজে দাঁড়িয়ে আমি ভোট চাইবো না আপনারা বিচার করুন আমরা আপনাদের কাছে বিচার চাইছি আপনারা যাকে সঠিক মনে করবেন তাকে ভোট দিবেন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्व रेलवे के क्षेत्र में भी 3 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। हावड़ा गया वंदे भारत की 18 सितंबर से नियमित सेवा शुरू होगी। इस ट्रेन में यात्रा के लिए हावड़ा से गया चेयर कार 1355 एग्जीक्यूटिव चेयर कार 2415 आसनसोल से गया चेयर कार 1035 एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1770 धनबाद से गया चेयर कार 935 एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1565 गया से हावड़ा चेयर कार 1300 एग्जीक्यूटिव चेयर कार 2365 गया से धनबाद चेयर कार 670 एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1285 गया से आसनसोल चेयर कार 770 एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1490 रुपये किराया देना होगा। ये किराया कैटरिंग शुल्क के साथ है। यात्री बिना कैटरिंग के भी टिकट बुक कर सकते हैं।
बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।